प्रिया मलिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आप देख सकें लेटेस्ट ब्यूटी एंड हेल्थ वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। क्या दोस्तों, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ गए हैं कि कुछ दिन में आप गंजे ही हो जाएंगे? तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी लाई हूँ, जिसको यूज़ करके आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आज मैं आपको बताऊँगी एक होम मेड हेयर मास्क बनाना, जिसको बनाना बहुत ईजी है, साथ ही यूज़ करना बहुत ईजी है। इस हेयर मास्क को यूज़ करने से अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे, हेयर थिनिंग हो रही है बालों के गिरने की वजह से तो वो भी ठीक हो जाएगी, साथ ही अगर आपके सर में बाल पैचेस हैं, बाल स्पॉट्स हैं या फिर गंजापन होना शुरू हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करके ठीक करता है, और सबसे अच्छी बात है जहां से बाल गिर गए हैं उनको रीग्रो भी करता है। तो इतने अच्छे हेयर मास्क को आप कैसे बनाओगे और कैसे यूज करोगे सही से, इस वीडियो में देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 4 चम्मच मूंग दाल। यहाँ पे आपको ग्रीन वाले छिलके की दाल लेनी है, साबुत। यहाँ पे मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये दाल जो होती है हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, साथ ही हमारे बालों की कंडीशन को ठीक करती है। इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं एसेंशियल फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो कि हमारे बालों का टूटना, बालों का गिरना रोकती है। साथ ही इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे हेयर लॉस को रोककर बालों की कंडीशन को अच्छा करती है, बालों को थिक बनाने में मदद करती है। इसके बाद आपको लेनी है 2 चम्मच फेनिग्रिक सीड, यानी कि मेथी दाना। यहाँ पे मैं मेथी दाना इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें होता है फॉलिक एसिड, विटामिन ए, के और सी, साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, साथ ही इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, बालों की थिनिंग को ठीक करता है, बालों को थिकनेस देता है। इसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें 2 चम्मच मेथी और 4 चम्मच दाल को ऐड कर देना है एक साथ, और पानी डाल के इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देखेंगे मेथी और दाल दोनों फूल चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मिक्सिंग जार और उसमें इनको डालकर पीस लेना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है। आपका पेस्ट कुछ इस तरह का बनेगा और इसके बाद आपको इसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड करनी है, जो नॉर्मल आप घर में खाते हो वही वाली दही ऐड कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनको मिक्स करने के बाद आपको एक चीज़ इसमें और डालनी है, वो है ब्लैक सीड ऑयल यानी कलौंजी का तेल। यहाँ पे 1 चम्मच आपको कलौंजी का तेल ऐड करना है इसमें और फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक, जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब आपका ये हेयर पैक रेडी है लगाने के लिए। आइए अब देखते हैं इस हेयर मास्क को लगाने का सही तरीका। इस हेयर मास्क को आपको सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है, यानी हेयर रूट में लगाना है, पार्टीशन करते हुए, बालों की लेंथ में नहीं लगाना है। हेयर रूट पे आप इसको लगाएंगे और फिर आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रहने देंगे, फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये बता दूँ कि जिन लोगों को बाल धोना बहुत देर तक पसंद नहीं है वो इस हेयर मास्क को ना लगाएं, क्योंकि इस हेयर मास्क को जब आप रिमूव करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको निकालने में, क्योंकि इसमें मेथी और दाल है जो कि आपके हेयर लेंथ में थोड़ी थोड़ी फंसेगी, तो उसको आप बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ करके इसको निकालोगे। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और आराम से आप ये कर सकते हो तभी इसको लगाएं, इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके ये कहोगे कि ये हेयर मास्क बालों में से नहीं निकल रहा था। तो ये निकल जाता है क्योंकि मैंने भी लगाया है। तो इसको आप अपने बालों की जड़ों में लगाइए, और अगर बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उनके तो हेयर लेंथ इतनी लंबी नहीं होती कि जो उनके बालों में फंसे। तो इसीलिए जिनके पास टाइम नहीं है वो इस हेयर मास्क को ना लगाएं,
और हेयर मास्क को लगाने के बाद जब आप शैम्पू कर लेते हैं तो ये आपके बालों से निकल जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत छिलके रह भी गए हैं आपके बालों की लेंथ में तो वो सूखने के बाद जब आप कॉम्ब कर लोगे तो वो आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको लगाने के बाद आपको फर्क नजर आएगा। तो इसको आप जब भी शैम्पू करें या फिर आप हफ्ते में 2 बार इस हेयर मास्क को लगाएं और अपने बालों के अकॉर्डिंग उसी क्वांटिटी में इसको बनाएं। मैंने यहाँ ज़्यादा बना लिया है, ये 2 बार के लिए मैंने बनाया है, तो इसलिए आप इसकी क्वांटिटी भी कम कर सकते हो। तो इसको आप लगाओ, और जैसा कि आपको पता है मैंने इसमें कलौंजी का तेल डाला है, तो वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी उगाने में हेल्प करता है और हेयर फॉल को रोकता भी है। तो इसको आप ट्राई करो, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसे यूज़ करने के बाद भी कमेंट करना। तो मैं फिर से मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।